बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक मज़ेदार से चस्केदार एपिसोड में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज लाहौर में बारिश हुई हल्की फुल्की सी, चार छींटे पर है, लेकिन हवा इतनी ठंडी चल रही है कि ऐसे गुमान हो रहा है जैसे कि मार्च की सुबह हो। 40 टेम्परेचर के बाद एकदम से मौसम का बदल जाना ऐसा है कि इस वक्त ठंडी हवा की वजह से हल्की हल्की सर्दी भी फील हो रही है। तो मैंने कहा चलें आपके साथ लाहौरी खाबा शेयर किया जाए। तो ये मैंने मंगवाए हैं बहुत मशहूर हमारे एरिया के चिकन कबाब, साथ में ये सलाद, ये मज़ेदार सा रायता और ये गर्मा गर्म ताज़े कुलचे। तो इसको शुरू करता हूँ मैं। ये आप देख सकते हैं कि देखने में ही किस कदर जूसी हैं और सॉफ्ट हैं। ये मैं आपको हाथ से तोड़ कर दिखाता हूँ, बिल्कुल नरम है। ये देखें जूसेस इसके भरपूर हैं। इसमें सूखा धनिया, अजवाइन, अदरक, प्याज, रेड चिली और नमक की आमेजिश से तैयार किए गए बहुत ही खुश जायका और खुश रंग कबाब। तो इसको रायते के साथ अभी डिप करके इसको टेस्ट करते हैं। बहुत ही मुनफरिद, बहुत ही मज़ेदार, दरमियाना मसाला, ना बहुत फीका ना बहुत तेज़, जो कि कबाब की रिक्वायरमेंट है उसके बिल्कुल ऐन मुताबिक है। अब इसको नान के साथ लगाते हैं। क्योंकि मेरा ताल्लुक क्लॉथ शॉप से है तो हमारा सीज़न है आजकल, तो इस वजह से वॉल सिटी में रोज़ाना नहीं जा सकते, तो हाज़िरी लगवाना भी ज़रूरी है। तो इसलिए घर में ही चीज़ें मंगवा कर आपके साथ शेयर कर ली जाती हैं। बहुत मज़ेदार, एक बार फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ये करीब से देखें किस कदर जूसेस हैं इसमें, बिल्कुल टेंडर, और जो एक कबाब के लवाजमात होने चाहिए वो सारे के सारे इसमें हैं। एक और बाइट लेते हैं नान के साथ। मज़ेदार सा कबाब, उसको रायते में डिप करते हैं। साथ में ये प्याज, बंद गोभी और गाजर का सलाद। नान भी देखिए किस कदर दिलकश, लाहौरी नान, बारबेक्यू कबाब, सिरी पाए और चनों के साथ। लाहौर शहर में इसका रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल होता है। कोई भी तकरीब हो, कोई भी खाने का वक्त हो, नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो या रात का डिनर हो, नान के बग़ैर अधूरा समझा जाता है। ये हमारे शादबाग के एरिया में तीन सड़कों पर बट्टी चिकन कढ़ाई और बारबेक्यू वाले हैं, ये उनसे मंगवाए गए हैं। तो बहुत पुरानी सर्विस है उनकी और शादबाग में, शुमाली लाहौर में वेल नाउन है ये बट्टी चिकन कढ़ाई वाले। आप भी इसको टेस्ट कीजिएगा,
शाद बाग तीन सड़कों पर जो जो क्लाथ और टेलरिंग के बिल्कुल साथ। तो मैं यहीं पर अपने ब्लॉग को ख़त्म करता हूँ। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको नया से नया एपिसोड बर वक्त मिल सके। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।